जो आज की बरसात है करीब 79 मिलीमीटर, माने कि कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा, नहीं रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ शिमला का। आप आपकी तरफ से कि ये भी बताया गया था कि एक घंटे के स्पेल में 62 mm वर्षा दर्ज की गई है, तो क्या ये भी इस तरह से देखा जाए कि ये सबसे ज्यादा हुई है अभी रिसेंट टाइम में? रिसेंट टाइम में ज्यादा है, जहाँ तक वर्षा का वर्षा की गति की बात है, क्योंकि रेनफॉल रेट जो है वर्षा की गति प्रति घंटा ज़्यादा है। और ये भी हो सकता है कि कुछ पॉकेट्स में शिमला में इससे ज़्यादा भी जो है वर्षा की गति रही हो प्रति घंटा, लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से करीब करीब 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बरसात हुई है। सर, जिस प्रकार से आपने वर्षा की गति की बात की, तो राजधानी शिमला की बात की जाए, तो कुछ क्षेत्रों में इस तरह से बारिश हुई, जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ है, क्या कोई क्लाउड बर्स्ट इस तरह से कोई आपके पास आंकड़ा? देखिए, आंकड़ा हमारे पास जो मैं बता रहा हूँ कि जो मौसम विभाग की ऑब्जर्वेशंस हैं उसके बेस पे तो नहीं है, क्योंकि वो 62 मिलीमीटर है, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये भी हो सकता है कि कुछ पॉकेट्स में, जैसे एल्टीट्यूड्स में भी कई बार बारिशें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा एल्टीट्यूड होगा बारिश ज़्यादा होगी, तो हो सकता है कुछ पॉकेट्स में ज़्यादा भी रही होगी, लेकिन अभी जो हमारे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है ऑब्जर्वेशन से उसके हिसाब से जो है अभी क्लाउड बर्स्ट जैसी बारिश नहीं हुई। सर, मौसम विभाग की ओर से 3 दिन 23, 24, 25 के लिए प्रेडिक्शन की गई थी हैवी बरसात की, आने वाले दिनों में क्या फॉरकास्ट होने वाला है? देखिए, बारिशें आज से पूरे प्रदेश में कम हो जाएंगी, एक तो पहली बात ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिशें बंद हो जाएंगी, लेकिन बारिशें कम हो जाएंगी और कल से और कम हो जाएंगी, और उसके बाद आने वाले दिनों में और फर्दर जो है कम हो जाएंगी। तो मानसून की बारिशें अब आने वाले दिनों में कम होंगी, तो ये जो पिछले दिनों से जो बहुत ज़्यादा बारिशें हम देख रहे हैं 48 आवर्स से, वो आगे देखने को तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिशें नहीं होंगी, बीच में हैवी स्पेल्स भी आ सकते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के आएंगे और वर्षा की गति इतनी नहीं होगी जितनी पिछले दिनों में देखने को मिली है। आने वाले दिनों के लिए कोई सर अलर्ट तो नहीं जारी किया गया? अलर्ट्स हैवी रेनफॉल का 2 दिन का है, आज और कल, और उसके बाद हम उसको भी कम करेंगे, लेकिन आज और कल में क्योंकि जो मानसून ट्रफ है वो होटल्स में है, तो और WDB है पश्चिम विक्षोभ भी साथ साथ हैं, तो वर्षा की संभावना अभी भी है, तो थोड़ी वर्षा भी जो है अभी लैंडस्लाइड वगैरह की संभावना है और दूसरी दिक्कतें कर सकती है। सर, प्रदेश से मानसून कब तक रुखसत होने की संभावना? सितंबर तक तो मानसून होता है, और अभी रिसेंट टाइम में अक्टूबर में भी जा रहा था, तो अभी तो सितंबर तो मान के चलें कि अभी सितंबर तक तो मानसून का असर देखने को मिलेगा।